मुंडो अमृतो सागर बिंदु नवे उठी तेरी तिंदु तस्वीर से अमृतो धारे गति करुचित से आपको पारे ताकि सुखी करे पाप तापरे कोई सीसी रखो सीमित आपरे अमृतो भयो अमृतो लय हरित निर्मल सागर जे निजो को अमृतो पाए करके जे इसके अमृत और बिंदु परिवार से जे आत्मा और संधान परिवार से जे परमात्मा के देखी पार्थी बुझी पार्थी अनुभव करी आओ जगत और सम्राट के संबोधन करी पार्थी ए तो मधुमय जगत के देखी पार्थी तेणु तांकर कविता से जगाउथिले निष्पद एक मधुमय रे जीवन निष्पद एक मधुमय तेणु मधुमय केन अछि ने शिशुर हसला मुहरे अछि मधु अमृत केन अछि पाग रे जन्म नेथिबा तार खुशीर हसरे अछि पवन अच्छे तेणु ये सारा जगत हूँ मधुमय सी तो महान व्यक्ति है जे दुख भितर सुख के देखी पार्थी जे विष भितर अमृत के खोज पार्थी से कवि गंगाधर जे दुख भितर सुख के जानी पार्थले शांतिर अनुसंधान कर पार्थले एवं गंगालमय दुख भितर से सुख बा अमृत संधान कर पार्थले तेणु कवि अमृतार कवि गंगाधर हूँ अमृतार कवि साहित्य ए जगत रे ओडिया साहित्य थिबार जे अमर होय रहिथिबा आपण माने जानिथिबे जे अमर ओडिया भाषा रे व्यक्ति कवि अछन तांकर साहित्य रो अनुसरण करे आमे जदि साहित्य रो गुण के अनुसरण करबा ये केन प्रकार साहित्य सृष्टि करि छन से अनुसार कवि मान ओडिया साहित्य रे विभिन्न प्रकार उपाधि दे आइ के भक्त कविया के संस्कृति कविया के कवि सम्राट उपेन्द्र महंत से साहित्य सृष्टि करुले साहित्य मुखा काटिकर पाटे कवि सम्राट भी कहला से कहते कहे कहे उपेन्द्र महंत देखी दुई बाहा को रवि तले कवि मणे न मरे मु कहा कवि उपेन्द्र महंत कहते ये सुजल तले जगत आजे जगत रे जेते कवि अछन भोर लागि कवि नै पार किंतु से कवि जेते बेला हजरी देले जेते बेला तांकर कविता तांकर कलम हजरी देला बा नै लेखाय वाला केंडा जेते से बैठी तो क्लास लेखु देले रामायण कथा लेखु देले प्रत्येक पदर पहा पहा बोर किने लेखु देले से काव्य लाख काटि लेते आसुच रामायण कथा न सीता मनवासर कथा जिते आसुचे सेते बेले से कहुचन जीवंग रस बोले न बनने लियाते जीवंग रस एटा है सीता मन के बोले दिवा टाइटल रे रस सुन जीवन म ही दिवा रस सुन न ही पा भूमि दिवा तेनु नहीं न कोन बन कर किंतु सेनु भी गंगा कर ताको साहित्य सृष्टि करी छन जेंडा की काल से ही साहित्य सृष्टि ही छे जेंडा की युग युग तक से साहित्य अमर ही रही छे सेटा होते तब से कहुचन एंगे ना बोला कि मन आश्रम के देखवा लगी जिन आश्रम रे निर्वासित आई छन वाल्मीकि आश्रम को से देखी जवा लगी पुरी जवा लगी जानवा लगी सही आलो साहित्य आलोचना करवा लगी तांकर कविता तांकर कलम आरंभ होई छ एवं से तपस्विनी आरंभ करी छन तपस्विनी तांकर साहित्य जगत रे एक श्रेष्ठ साहित्य कारण तपस्विनी जो समर्पण भाव रही तपस्विनी किए ना सीता सीता जो समर्पण भाव रही देखे गंगाधर साहित्य अनुसरण करवाहे गंगाधर साहित्य जेन सब काव्य से रचना कर आदर्श मनीष चरित्र आदर्श मनीष चरित्र कथा कही आदर्श परिवार कथा कही नारी रा समर्पण भाव आउ त्यागर कथा कर गोटे परिवार गोटे समाज कभी उठिरसी गोटे परिवार के नहीं हमें जितने ना गोटे परिवार मन को नहीं करी गोटे गाँ हसी गाँ नहीं कर समाज हसी देश हसी तेणु प्रत्येक देश का गोटे समाज रा मूल दिना हूँ परिवार एवं परिवार मूल दिना हूँ पुरुष और नारी तेणु पुरुष और नारी रा त्याग बल में गोटे परिवार सृष्टि से आदर्श है ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ଜୀବନ ଗଠନ କରିବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେମିତି ପ୍ରକାର ଗଠନ ହେଉଥିବା ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସମାଜକେ ଯଦି ଉନ୍ନତ କରିବାକେ ପଡ଼ବା ସମାଜକେ ଯଦି
ଗିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମାଜକୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ପରିବାର ଗଠନ ମୂଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ଲାଗି, ସତ୍ ଚରିତ୍ରବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ସେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅନୁଶୀଳନ କରେ, ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ ସେ ଅନୁସରଣ କରେ। ସେନୁ ବାହାର କଲେ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର କଥା, ସେନୁ ବାହାର କଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳାର କଥା, ସେନୁ ବାହାର କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ କୀଚକର କଥା ବା ଭୀମର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସୀତାର କଥା କହୁ କି ଦ୍ରୌପଦୀର କଥା କହୁ, ସେନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିଛନ୍। ଆଜି ବି ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍, କିଏ ବୃଦ୍ଧା କିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ପତ୍ନୀ ତାର ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛି, ସେ କେମିତି ଆଶ୍ରା ନେଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ରହୁଛି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ରାମ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକରି ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣାଏ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍। ଆଶ୍ରମରେ ରହିକରି ଜବକୁଶ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍, ତା ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍, ତାହାକେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍। ଉପଯୁକ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟର ଭାବରେ କିଏ ସୀତା ଗଠନ କରିଛି। ତେଣୁ ନାରୀର ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ପରିବାର ଗଠନ କରିବା, ପରିବାର ଗଠନ କରି ଉତ୍ତର ଦାୟକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁ ଦାୟକ କି ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ ପରପ୍ରିୟ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କ ପରେ ଲବକୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ତିଆରି କରିଛନ୍, ଏନ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ ଲବ କୁଶଙ୍କେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେନ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏଟା କାହାର ଶିକ୍ଷା, କାହାର ତ୍ୟାଗ ଅଛି? ଯଦି ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ଯେ ତ୍ୟାଗ ଯଦି ନିଚିତା, ତାଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ନିଚିତା, ତାହାହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ଭରତ ଶତ୍ରୁଗୁଣ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୋହନ ସ୍ୱରରେ ଲବ କୁଶର ସମ୍ମୋହିତ କଲେ,